स्टूडेंट ऑफ द ईयर के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट ने इस वक्त बॉलीवुड में अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना ली है। जी हाँ, आलिया भट्ट अब तक काफी सारी हिट फिल्में दे चुकी हैं। आलिया भट्ट बहुत बड़े स्टार्स के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। आलिया भट्ट की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस को आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, फिर चाहे वो उनकी बात हो मूवी उड़ता पंजाब की, राजी मूवी की, या फिर उनकी रिसेंटली आई मूवी गली बॉय की। आलिया भट्ट को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है ऑडियंस का। जहाँ आलिया भट्ट फैंस की फेवरेट बनी हुई है, वहीं वो डायरेक्टर्स को भी काफी पसंद आ रही है और बड़े बड़े डायरेक्टर्स आलिया भट्ट को फिल्म्स ऑफर कर रहे हैं। आलिया भट्ट फिलहाल सातवें आसमान पर हैं क्योंकि उनकी रिसेंटली मूवी जो है गली बॉय ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसके अलावा आलिया भट्ट के फैंस के लिए एक और खुशखबरी की बात ये है कि आलिया भट्ट कंफर्म हो चुकी हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म के लिए। रिसेंटली जब ये रिपोर्ट्स आई थी कि आलिया भट्ट इंशाल्लाह में काम करने वाली है, लेकिन फिर ये जो रिपोर्ट्स हैं झूठी पड़ गए, बिकॉज जो इंशाल्लाह मूवी है वो बंद हो गई। लेकिन आलिया भट्ट ने उसके बाद ये कंफर्म किया था कि वो संजय लीला भंसाली के साथ काम जरूर करेंगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब ये कंफर्म हो चुका है कि संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म यानी गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को फाइनल कर लिया गया है। इस फिल्म की बात करें तो एसुज़ैन ज़ैदी की बुक क्वींस ऑफ मुंबई माफिया पर बेस्ड होने वाली है ये फिल्म। इस फिल्म की स्टोरी उसी बुक पर बेस्ड रहेगी। वहीं आलिया भट्ट इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करती हैं, यानी गंगूबाई वाले कैरेक्टर को कैसे प्ले करती हैं, लेकिन फिलहाल आलिया भट्ट के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि आलिया भट्ट का संजय लीला भंसाली के साथ काम करना कंफर्म हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली इस फिल्म को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक करते हैं।